हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बात करते हैं यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशंस के बारे में। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो जरूर कीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नेट का जो एग्जाम है उसे अनाउंस कर दिया गया है, 10 जून से लेकर 21 जून के बीच में आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो फरवरी का महीना जो है वो ऑलमोस्ट गया ही समझिए, कुछ ही दिनों का समय है। तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का समय है, क्योंकि जून का तो समय निकल जाएगा एडमिट कार्ड की बात, और उसके बाद फिर आप डेट शीट वगैरह सब चेकआउट करने लगते हैं, रिवीजन का काम करते हैं। तो 3 महीने में आपको अपनी स्टडी करनी है, ठीक है। तो स्टडी करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप रेगुलर स्टडी करें। अगर आप ऐसे हैं कि आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास में समय नहीं है, तो आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने यहाँ पर तैयार कर रखी है, जिसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट जो है आपके सिलेबस में है टॉपिक्स, उस सारे ही टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा पेपर 1 मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो आप इस बार देखिए, कंप्लीटली फ्री है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देनी, कोई शुल्क नहीं देनी है। पूरी 10 यूनिट मैंने यहाँ पर कवर करके रखी है, ठीक है। तो आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट सिलेबस पर जाना है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा और बहुत सारी सारी ही पूरे सिलेबस की प्लेलिस्ट वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं और रेगुलर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, टारगेट बैच 2024 के नाम से हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट करी है। लाइव है, शाम को 7 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, जिसमें पेपर 1 की अभी 3 क्लासेस हुई हैं। अगर बहुत देर नहीं हुई है, आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे शाम को 7 बजे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर एक यूनिट की सिलेबस वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। अगली बात यह है कि अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है, तो भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको एजुकेशन की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी हर एक टॉपिक की, ठीक है। जो स्टूडेंट्स एजुकेशन के हैं वो यहाँ पर देखें, आपको एजुकेशन की बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जो आपके कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, तो उसे आप जरूर चेक कीजिए, ठीक है। ये तो बात हुई आपकी प्रिपरेशन की। अगर नेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास में है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संबंधी बच्चों के अंदर थोड़ी कंफ्यूजन होते हैं, उसमें आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पीजी में 55% है और आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप इस नेट के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट हैं और आपका 50% एग्रीगेट है पीजी में, तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन की अगर बात की जाए, अगर एज लिमिट की हम बात करें, तो देखिए, एज लिमिट वैसे तो लेक्चरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। अगर आप सिर्फ लेक्चरशिप के लिए जाना चाहते हैं, तो आप कितने भी साल के हों, आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। हाँ, अगर आप JRF के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और मेल हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी एज होनी चाहिए 30 साल, अदरवाइज आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ओबीसी, SC ST, ट्रांसजेंडर वुमेन्स और वुमेन भी सारी ही कैटेगरी की इंक्लूडेड, अनरिजर्व कैटेगरी, सभी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। और एक बात मैं इंपॉर्टेंटली बच्चों को बताना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स देना चाहते हैं, कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो 1150 रुपये का आएगा, जनरल EWS और ओबीसी NCL के लिए 600 रुपये का, SC ST PWD के लिए 325 रुपये का, ट्रांसजेंडर के लिए 325 रुपये का। मतलब ये पता होना चाहिए ना कितना आपको खर्च करना है अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो, ठीक है। पेपर जो है, पेपर 2 पूछे जाते हैं, पेपर 2 ही आते हैं आपके, तो दोनों ही पेपर। बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पास होना जरूरी होता है, या अलग अलग पेपर में पास होना जरूरी होता है। तो देखिए बच्चों, आप सभी जो भी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो दे रहे हैं, आपका जो पेपर होगा ना, वो एक साथ पूछा जाएगा, अलग अलग नहीं पूछा जाता है, एक साथ होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। अगर आप पेपर देंगे ना, तो CVT मोड में होगा, मतलब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर पेपर देंगे, और दोनों ही पेपर आपके सामने एक साथ आएंगे, है ना। पहले आप चाहें तो पेपर 1 को सिलेक्ट कर लें, या पेपर 2 को सिलेक्ट कर दें, आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो टोटल मिला के 2 पेपर होंगे, जिसमें से पहला पेपर 50 क्वेश्चन का होगा, दूसरा जो पेपर होगा आपका सब्जेक्ट का, वो 100 क्वेश्चन का होगा। टोटल मिला के 300 नंबर होगा, और आपके पास में जो समय है
वो टोटल 3 घंटे का समय होता है, ठीक है। 3 घंटे का समय है, अब आपके ऊपर है, आप पेपर वन पहले करना चाहते हैं, पेपर टू पहले करना चाहते हैं। नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है, तो देखिए अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है, नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है, आगे हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ना कि कैसे पास होते हैं, पेपर वन में अलग पास होना है, पेपर टू में अलग पास होना है, तो देखिए आपका टोटल मिला के 40% होना चाहिए, 40% मार्क्स तो आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। और अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो 35% मार्क्स आपके आने चाहिए, तो दोनों पेपर मिला के, ठीक है, दोनों पेपर, बोथ पेपर लिख रहे हैं, दोनों पेपर मिला के आने चाहिए। लेकिन जो टॉप के 6% स्टूडेंट्स होंगे, पहले तो मेरिट लिस्ट बनेगी जिस हिसाब से कट ऑफ जाएगा, मेरिट बनेगी, उसके बाद जो टॉप के 6% स्टूडेंट होंगे उसमें अगर आप आ जाते हैं तब आप नेट क्वालिफाई होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कोई क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं है कि आप इतने परसेंट आ गए तो हम क्वालिफाई हो गए, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में आना पड़ता है, लेकिन 40% मिनिमम तो होना ही चाहिए। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने हैं, ये तो मैं कई बार ही आपको बता चुकी हूँ। एक मोटिवेशन जो होता है कि अगर हम एग्जाम देते हैं, क्लियर कर जाते हैं तो मिलेगा क्या, ठीक है, सबसे पहली बात हो जाती है ना, मिलेगा क्या, किस क्यों हम इतनी मेहनत करें। तो देखिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो 30,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी आपको मिलेगी। अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में लग जाते हैं तो 30 तो मिनिमम मिलेगी ही, 30 से कम तो नहीं मिलती है, 30,000 तो आपको मिलेगी, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में ही क्यों ना लग जाए नेट के बाद, ठीक है, इतनी तो मिलेगी, मैक्सिमम तो कितनी भी जा सकती है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में लग जाते हैं तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आप JRF क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक अमाउंट है जो आपको मिलेगा, 37,000 रुपये का अमाउंट मिलता है, इसके लिए आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलता है, जिससे कि आप रिसर्च को कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है JRF के लिए। इसीलिए वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, JRF के लिए मेहनत करते हैं। और एक एक आपके पास ना ये एक मोटिवेशन है, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ये मोटिवेशन है जो आपको आके लेकर जाता है। ये सारे अलग अलग स्टेजेस हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन होता है। तो ये जो था बेसिक जो नेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे हैं जिनके पास समय की कमी है, जैसे आप जॉब कर रहे होते हैं, तो आपके लिए एक और बहुत सुविधा है कि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग के नाम से ही। आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। नोट्स मैंने कहा आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स नोट्स की बात कर रहे हैं तो PDF नोट्स कैसे होते हैं, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे चेक करवा रही हूँ, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, आप पेपर वन के नोट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे पेपर वन का यहाँ पर आपको मैं चेक करा रही हूँ कि अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पेपर वन को आप चेक कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके के आपको नोट्स यहाँ पर मिलेंगे पेपर वन के, और लास्ट में आपको इसके MCQs भी मिलेंगे। तो बहुत अच्छा एक इजी वे मिल जाता है, और पूरी 10 यूनिट्स जो हैं उनके आपको यहाँ पर नोट्स मिल रहे हैं, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम के भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स को आपको यहाँ पर भी चेक करना है, साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी मिलेंगे पेपर वन के सारे ही। तो यूनिट वन जैसे मैं आपको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो आप अगर यहाँ देखेंगे इस तरीके से आपको पेपर मिल रहा है, इन्हें आप चेक, तो जो भी यूनिट जो भी सिलेबस है उसको कवर करते हुए यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, तो कि जो भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसके बाद में इसकी टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आपको क्या है, जैसे कि SBT मोड में एग्जामिनेशन होता है तो यहाँ पर आपको ढेरों टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, जिसमें MCQs मिलेंगे अपने अपने सब्जेक्ट्स के, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके, आप तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही बेनिफिट वाली स्थिति हो जाती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज चेक कराना चाहती हूँ, अब पेपर वन की, ठीक है, पेपर टू की भी है, पेपर वन की पहले दिखाती हूँ कि जिस तरीके से टेस्ट सीरीज बनी हुई है जून 2024 को ध्यान में रखते हुए। यूनिट वाइज 15 क्वेश्चन, हर एक यूनिट के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर पेपर वन के टॉपिक वाइज 10 क्वेश्चन
हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज मिलेंगे, जिससे कि आपको ये बात समझ में आएगी कि पिछले सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 2019 से लेकर 2023 तक के आपको पी वाई क्यूज मिलेंगे, तो कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं आपको एक चेक कर रहा हूँ, पेपर वन का 14 जून 2023 का ये पेपर है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन, क्योंकि 85 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन के क्वेश्चंस होंगे। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे, जैसे मान लेते हैं आपने कोई भी एक ऑप्शन पर टिक किया, तो उसका साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। ठीक है, कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया है या गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम, किसी और क्वेश्चन पर। आपकी लैंग्वेज अगर हिंदी है तो आप हिंदी में चेक कर लीजिए, है ना। और आपने यहाँ पे कोई भी रैंडमली आंसर लगा दिया, कुठारी आयोग, तो सही क्या है ये भी आपको मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया, हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट करी हैं टारगेट बैच 2024 के नाम से। आप हमारे रेगुलर व्यूअर बन सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करना है आपको। इसके अलावा आप हमको कुछ भी आपको नहीं देना है, कंप्लीटली फ्री क्लासेस है। और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करना चाहते हैं, तो आप जो बनी बनाई प्लेलिस्ट है उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं 2024 को। तो यही आज के वीडियो का मेन मोटो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लासेस अच्छी लग रही हो, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। केवल 29 रुपये देकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको एडिशनल बेनिफिट्स जो भी इस चैनल के हैं वो भी मिल सके। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ जाएंगे, तो जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी जो नेट की जर्नी है उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। दिस वीडियो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।